और दोस्तों परसों ही मैंने आपको बताया था कि सोनी ने दुनिया का सबसे पहला 8K रेजोल्यूशन वाला टीवी लॉन्च कर दिया है। आज हुआवी ने अनाउंस कर दिया है कि हमारा भी 8K का टीवी आ रहा है और वो भी इसी साल। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो इंटीग्रेटेड 5G के साथ आएगा। इसका मतलब 8K का टीवी आएगा और 5G भी होगा। और उन्होंने कहा है कि ये 5G क्यों, ताकि आप जो स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह होता है, हाई बिटरेट का वीडियो स्ट्रीमिंग, वो आप डायरेक्टली टीवी पे कर पाओ। इसका मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग, कितना भी 4K मूवी भी आप स्ट्रीम कर पाओगे 5G के साथ 8K टीवी के ऊपर। दोस्तों आपको तो पता है कि एप्पल ने जो फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह, टच आईडी जिसे वो कहा करते थे, उसको छोड़ दिया है और फेस आईडी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। लेकिन अब उन्होंने एक फाइल, पेटेंट फाइल किया है और वो उन्हें मिल भी गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का। इसका मतलब नेक्स्ट जो भी आईफोन्स या फिर आईपैड्स वगैरह होंगे उनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ सकता है। ये कन्फर्म नहीं है, किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पेटेंट है वो कहता है कि आपके बॉडी के जो वाइटल साइंस हैं वो भी आप इस फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से चेक कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे। अब जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, फेस आईडी के साथ रहेगा एप्पल या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर पे मूव होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे? जरूर। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 403। आज एक नहीं दो वीडियो अपलोड किए हमने, दोनों भी जबरदस्त है। एक तो रेडमी 7 का कंपैरिजन किया है Asus ZenFone Max M2 के साथ और हमने बताया कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरा जो वीडियो है उससे भी अच्छा है। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं Realme 3 Pro के बारे में, FAQ वीडियो किया है, बड़ा FAQ वीडियो, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर देखिएगा दोनों वीडियो, लेकिन ये टेक न्यूज देखने के बाद। वैसे दोस्तों आप अगर नए हो तो एक चीज बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना। और दोस्तों दिन की बड़ी खबर, OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro जो मई 14 को लॉन्च होने वाला है, वो उसके पूरे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए हैं, क्लियर सब कुछ। जी हाँ, अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो OnePlus 7 में होने वाली है 6.2 इंच की FHD+ स्क्रीन 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन जो प्रो होगा उसमें 6.64 इंच की QHD+ स्क्रीन होने वाली है। दोस्तों QHD+ यानी 2K की स्क्रीन। अब कैमरा की बात करते हैं तो प्रो में आएगा ट्रिपल कैमरा, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर होगा, और जो नॉर्मल OnePlus 7 होगा उसमें डुअल कैमरास होने वाले हैं, तो एक एक्स्ट्रा जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है OnePlus 7 प्रो में। साथ में दोस्तों पॉपअप कैमरा आएगा प्रो में और नॉर्मल नॉच में आने वाला है फ्रंट सेल्फी कैमरा OnePlus 7 में। और अगर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो OnePlus 7 में आएगा 6GB और 8GB रैम वाला वेरिएंट, एंड OnePlus 7 प्रो में आएगा 10GB एंड 12GB रैम वाला वेरिएंट, और जो बेसिक स्टोरेज है वो चालू होगा 128GB से। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, OnePlus 7 प्रो स्पेशल। और दोस्तों एयरटेल ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च कर दिया है 299 रुपीज का, और ये अच्छा प्लान लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बंडल्ड अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन जो है आपको मिलेगा। मतलब अमेजॉन के ऊपर खरीदी करोगे तो आपको 1 day या 2 day डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उतना ही नहीं अमेजॉन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह जो है वो भी आपको मिलेगा। बट उससे भी बड़ी बात, 2.5GB डेली डेटा मिलेगा इस प्लान में, और इसकी जो वैलिडिटी है वो है 28 डेज। ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अगर नेटवर्क अच्छा है एयरटेल का आपके एरिया में तो आप जरूर इस प्लान के पास देख सकते हैं। दोस्तों रेजर, ये जो कंपनी है गेमिंग फोन्स बनाती है, रेजर फोन आपको तो पता है, उन्होंने अप्रैल फूल के समय, अप्रैल फर्स्ट को डाला था एक अप्रैल फूल जो कि भाई हम रेजर टोस्टर ला रहे हैं, और उसके बाद में रेजर के सीईओ ने कहा था कि भाई ये जो मैं ट्वीट कर रहा हूं उसको अगर 1 मिलियन लाइक्स मिल गए तो मैं रेजर टोस्टर एक्चुअली बनाऊंगा। अप्रैल फूल जोक होने वाला था, लेकिन उस ट्वीट को 1 मिलियन रीट्वीट या फिर लाइक्स मिल गए, और फिर सीईओ जो है रेजर के, उन्होंने कहा कि भाई हमारे इतने फैंस ने इतनी कोशिश करके 1 मिलियन लाइक्स या रीट्वीट्स कमाए हैं, तो हम जरूर लेके आएंगे, हम एक टीम, एक 3-4 लोगों की टीम खड़ी करेंगे जो रेजर टोस्टर बनाएंगे। वाओ, रेजर टोस्टर यानी ब्रेड को आप टोस्ट कर पाओगे रेजर के ब्रांड के साथ, कैसे होगा? और दोस्तों रेडमी फ्लैगशिप के बारे में एक चीज कंप्लीटली कंफर्म हो गई है, क्योंकि सभी लीक्स और रूमर्स है, लेकिन लू विबिंग, ये जो शाओमी के जनरल मैनेजर है, उन्होंने आज कहा है कि भाई हमारा जो रेडमी का फ्लैगशिप होने वाला है उसका नाम रेडमी एक्स नहीं होगा। जी हाँ, वैसे आलतू फालतू नाम नहीं देंगे, हमारा नाम कुछ अच्छा होगा, देयर विल बी अ गुड नेम टू रेडमी फ्लैगशिप। क्या नाम होगा तो देखेंगे,
पोको एफ टू क्या लगता है आपको? मुझे पता नहीं है, जब आएगा तब सब डिटेल्स देंगे, लेकिन रेडमी एक्स इज नॉट रेडमी फ्लैगशिप। दोस्तों वन प्लस सेवन और वन प्लस सेवन प्रो आ रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल्स दे दिए हैं, लेकिन अभी भी वन प्लस 60 बहुत ही अच्छा फोन है। और अब ऐसी डील है कि आपने तो अगर लेना है वन प्लस का फोन ऐसे जाके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेजोन का समर सेल आ रहा है जिसमें 9000 का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 8GB वेरिएंट पे वन प्लस 60 के। यानी आपको 8GB वेरिएंट जो है वन प्लस 60 का वो मिल रहा है 32,999, एंड एट दैट प्राइस वन प्लस 60 इज अ स्टील डील है। ये सोचिए 41,999 का फोन आपको 32,999 में मिल रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे। और दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नाम जो है, भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रही है। जी हाँ, पिछले साल चंद्रयान सक्सेसफुली गया था मून के, उसने चक्कर लगाए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गैदर की बेसिकली मून के बारे में, मतलब लूनार सरफेस जो है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, नई चीज़ें पता चली। अब चंद्रयान 2 जा रहा है और वो लैंड होने वाला है मून पे। लूनार का जो सरफेस है, मतलब मून का जो सरफेस है, उसके ऊपर लैंड होगा, और उसका जो टाइम टेबल है वो बाहर आ गया है। जुलाई 6 से लेके 16 तक जाने वाला है चंद्रयान 2, मतलब टेक ऑफ करेगा, एंड सितंबर 6 को मून के ऊपर ये लैंड होगा चंद्रयान 2। वाओ, दैट इज क्रेजी। दोस्तों बहुत कम कंट्रीज ये कर पाए हैं, एंड इंडिया विल नाउ बी वन ऑफ देम। दोस्तों जैन में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि विंडोज 7 का जो सपोर्ट है वो हम बंद कर रहे हैं। अगर आप विंडोज 7 पे हो तो इमीडिएटली विंडोज 10 पे अपग्रेड हो जाओ, क्योंकि नो सिक्योरिटी पैचेस, बहुत सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे अगर विंडोज 7 है, हैक हो सकता है। ये बहुत पहले से बता रहे हैं, 1.5 साल से बता रहे हैं, एंड फाइनली डिसम्बर 31 को बंद कर दिया उन्होंने सपोर्ट। लेकिन दोस्तों जो दिसंबर 2018 में कुछ 36.9% लोग इस्तेमाल करते थे विंडोज 7, किसी ने भी अपग्रेड किया नहीं, या फिर किया है तो बहुत कम लोगों ने। अभी अप्रैल का अगर डेटा देखा गया तो 36.5% लोग अभी भी विंडोज 7 पे हैं और उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। ऐसे क्यों पता नहीं मुझे, इतना अच्छा लगता है विंडोज 7 की वो अपग्रेड ही नहीं करते हैं। हैकर्स आ जाएंगे, आपका डेटा चुरा के लेके जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, आप विंडोज 7 पे हो, अपग्रेड कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेल की। जैसे मैंने कल बताया था, फ्लिपकार्ट का फ्लिपस्टार डे सेल चालू हो गया है। जो भी डील्स अच्छे अच्छे हमको लगे हैं वो सब मैंने नीचे डाले हुए हैं, लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे 4 तारीख से बहुत सारे सेल चालू हो रहे हैं, अमेजोन का समर सेल जिसमें वो वन प्लस की जो डील है, वन प्लस 60 की डील, वो भी मिल रही है। सभी जो आपको अगर सेल डील्स ऑफर्स चाहिए तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बहुत सारे लिंक्स होते हैं अच्छे अच्छे डील्स आपको। और दोस्तों अब वक्त होता है हमारे सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स का नाम लेने का। थैंक यू यार, आप इतने हमारे साथ जुड़े रहते हो, इतने लाइक्स करते हो, कमेंट्स करते हो, हमारा फर्ज होता है आपका नाम लेने का। और कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं रोहित गजेली, कपिल विनायक एंड स्टैनली मैथ्यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले आपने, पढ़ के बहुत मजा आया। अगर आपका भी नाम हमने लेना चाहिए तो जरूर अच्छे कमेंट्स डालिए, फीडबैक दीजिए, हम जरूर अच्छे चुन चुन के आपके नाम लेंगे। चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 403 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।